तो हम आपके सामने पेश करते हैं बहुजन समाज पार्टी की गीत संगीत हम आपके सामने पेश करते हैं। लीजिए हमारे आजमगढ़ के परम आदरणीय बिष्णु दादा के देखरेख में ये किशोर कुमार पगला एंड कंपनी आज रामा कंपनी को कैसेट के माध्यम से हम आज सपुर्द करते हैं इनको। और आइए हम आपको सुनाते हैं अपने मसीहा गुंगों को जुबान देने वाले, बहरों को कान देने वाले, गांधी के प्राणदाता, दलितों के खुदा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिनके नामों की चर्चा आज देश में धूम मचा दिया है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं गीत के माध्यम से किशोर कुमार पगला जी के 14 अप्रैल दिन की तुना महान माँ भीमा ने दी संतान महू के नगरिया में क्या बात है छावनी में बाबा साहब का जन्म होता है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का उस वक्त जन्म होता है जिसमें इंसान इंसान के अंदर दुनिया बनी हुई थी। मनुवादी चालों ने, मनुस्मृति के मानने वालों ने मुझे 6743 जातियों में बांट दिया और हमें भाईचारा नहीं बनाने दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म उस वक्त होता है, उस वक्त होता है 1891 ईस्वी में। आज कहना पड़ता है क्या अहरूप निहारे भीमा मन ही मन में रहे मुस्कुराए साहब है क्या बात है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म होता है, चारों तरफ ये शोहरत मच गया कि कोई भीम आखिरी गोद में भीम राव अंबेडकर पैदा हुआ है। लेकिन होता क्या है बाबूजी, है इधर मां भीमा बाई भी, मां भीमा बाई अपने बेटे अंबेडकर को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजती हैं। उनके पास तो कुछ था नहीं लेकिन एक लंगोटी पहना करके और भीमराव को
धीरे धीरे स्कूल में भेजती हैं। आए है, है। एक तरफ माँ भीमाबाई अपने आंखों में आंसू लिए हुए और अपने बेटे को है आंसू पोंछते हुए और भेजती हैं कि जा मेरे लाल, जा मेरे बेटा, तू सकुल जा, पढ़ेगा बेटा, मेरा लाल मेरा नाम रोशन करेगा, बेटा तू सारे जहां में नाम रोशन करेगा। लेकिन होता क्या है, अरे पाहे ननगोटी बाबा पढ़ने स्कूल में जब जाते, बाबा साहब को स्कूल के अंदर पढ़ने नहीं दिया गया। बाबा साहब अपना टाट बस्ता उठा करके और स्कूल से बाहर अपने आंखों में आंसू लिए हुए बाबा साहब कलम निकालते हैं और पटरी और बस्ते पर कॉपी पर लिखना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद उनको प्यास लगती है बाबा साहब को। बाबा साहब जाते हैं, उधर दरवाजे से ही आवाज देते हैं कि गुरुजी, गुरुजी, मुझे प्यास लगी है, गुरुजी, मुझे पानी पिला दो गुरुजी। मास्टर जो गुरुजी थे उन्होंने चपरासी की तरफ इशारा किया कि इस बच्चे को पानी पिला दो। गुरुजी तो कह दिए, लेकिन चपरासी कितना घृणा करता था बाबा साहब से। आज कहना पड़ता है बाबूजी क्या, अरे प्यास से बाबा रह जाते, पानी बिनिए प्राण तड़पता, प्यास से बाबा रह जाते, पानी बिनिए प्राण तड़पता, प्यास से बाबा रह जाते, प्राण तड़पता। कहना है नल छूना मत तू नीचा, चपरासी डांट सुनाता, नल छूना मत तू नीचा, चपरासी डांट सुनाता, नल छूना मत तू नीचा, चपरासी डांट सुनाता। ओ मिलता था उन्हें रोज त्रिशिकार, अरे मिलता था उन्हें रोज त्रिशिकार, छोटी सी उमरिया में खिलाए, छोटी उमरिया में खिलाए, छोटी सी उमरिया में, जियो भैया जियो, खिलाए बाबूजी। होता क्या है, बाबा साहब कितना परिश्रम सहे, बेशुमार दुखों का सामना करके बाबा साहब पढ़ाई किए, लेकिन उधर छत्रपति शाहू जी महाराज कोल्हापुर के सम्राट कुर्मी समाज के नायक छत्रपति शाहू जी महाराज ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपने रियासत में पढ़ने के लिए विदेश भेजा। और उधर
अपने ही रियासत और अपने शासन काल में उन्होंने उस समय उस जमाने में 50% आरक्षण लागू करवाया था मेरे दोस्तों। आज कहना पड़ता है क्या, अरे लाख मुसीबत आई पर बाबा नहीं घबराए, लाख मुसीबत आई पर बाबा नहीं घबराए, लाख मुसीबत आई पर बाबा नहीं घबराए। अरे बेसुमार दुख सह के बैरिस्टर बन कर आए, बाबा साहब जिस वक्त जिस समय बैरिस्टर बनकर आते हैं बाबा साहब, तो मनवादियों के आंखों में दर्द होना शुरू कर देती है। बाबा साहब बैरिस्टर बनकर जब आते हैं आए है, है तो होता क्या है, अरे बने किरकिरी बाबा जी, बने किरकिरी बाबा जी, मनवा दिन की नजरिया में खिलाए, मनवा दिन की नजरिया में नगरिया में।